ग्रह नक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल और आपके आचार्य बताते हैं आपकी राशियों का हाल। मित्रों सादर जय श्री कृष्ण, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज आपको बताने जा रहे हैं दैनिक महाभाग्यशाली राशियां। 16 मार्च 2019 शनिवार का दिन है। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की दसवीं तिथि है। पुनर्वसु नक्षत्र तथा मिथुन राशि में चंद्रमा शाम को 4:37 तक रहेंगे। उसके बाद कर्क राशि में चंद्रमा प्रवेश कर जाएंगे। दिशाशूल की यदि हम बात करें तो पूर्व दिशा में रहेंगे, इसलिए पूर्व दिशा की यात्रा करना नुकसानदायी माना जाएगा। यदि किसी कारणवश पूर्व दिशा की यात्रा करना बहुत ज्यादा आवश्यक हो तो अदरक खा करके यात्रा कर सकते हैं। राहुकाल जो कि सुबह 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक रहेगा, इस दौरान किसी भी प्रकार का शुभ मांगलिक या नया काम आपको नहीं करना चाहिए। ग्रह गोचर की यदि हम बात करें तो ग्रहों के राजा सूर्यदेव मीन राशि में, मंगल मेष राशि में, बुध कुंभ राशि में, गुरु वृश्चिक राशि में, शुक्र मकर राशि में, शनि धनु राशि में, राहु मिथुन एवं केतु धनु राशि में रहेंगे। इस ग्रह गोचर के अनुसार मेष, वृषभ, मिथुन, सिंह, तुला और धनु इन 6 राशि वालों को विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। अचानक धन लाभ होगा, रुका हुआ पैसा इनको प्राप्त होगा, इनकी आमदनी बढ़ने वाली है, कार्यक्षेत्र में अच्छी सौगात इनको प्राप्त होने वाली है, नया रोजगार, नया व्यापार इनका शुरू हो सकता है। साथ ही शनिवार का दिन है और शनिवार का दिन इन 6 राशि वालों के लिए विशेष महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि शनिदेव की विशेष कृपा शनिवार के दिन ही बरसती है और इन 6 राशि वालों के ऊपर शनिदेव की विशेष कृपा होने वाली है। कुल मिलाकर के इन 6 राशि वालों के लिए दिन सबसे अति उत्तम होगा। घर परिवार, व्यवसाय, नौकरी, व्यापार आदि समस्त कार्यों के लिए यह दिन इनके लिए शुभ साबित होगा। तो मित्रों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको दी है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।